हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग ये है हमारा ओ सी एम चैप्टर नंबर नाइन फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट टू तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं तो हमने पिछले वीडियो में कैपिटल मार्केट तक कर लिया था तो अब देखते हैं कैपिटल मार्केट के दो टाइप होते हैं पहला होता है प्राइमरी कैपिटल मार्केट दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट तो चलिए प्राइमरी कैपिटल मार्केट को देखते हैं सो इट इज अ मार्केट ऑफ न्यूली इशू सिक्योरिटीज ये जो प्राइमरी कैपिटल मार्केट है यहाँ पर जितने भी नए सिक्योरिटीज़ होते हैं ना वो मिलते हैं नए शेयर हो गए नए डिबेंचर हो गए ये सब कहाँ मिलेगा आपको प्राइमरी कैपिटल मार्केट में ही मिलेगा यानी जिन इन्वेस्टर्स को नए सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने का शौक़ है वो कहाँ जाएंगे प्राइमरी कैपिटल मार्केट में जाएंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तो सबसे पहला यही है कि यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटीज़ मिलते हैं वो न्यू होते हैं सेकेंड यह है कि यहाँ पर न्यू सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है या फिर खरीदा जाता है थर्ड यह है कि यहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडायरीज होते हैं जैसे कि ब्रोकर्स, लीड मैनेजर रजिस्ट्रार ये सब फोर्थ यह है कि जब आप यहाँ पर कुछ भी कैपिटल इशू कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसके बारे में प्रोस्पेक्ट में लिखना है अब सेकेंड टाइप आता है सेकेंडरी मार्केट अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है सिंपल आपको याद रखना है कि सेकेंडरी मार्केट के अंदर आता है स्टॉक एक्सचेंज बस अब दो स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा फेमस है पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दूसरा है अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाइन्थ जुलाई 1875 से चला आ रहा है जबकि अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज 1894 से ही चला आ रहा है स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है सो बेसिकली इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू शेयर ब्रोकरस एंड इन्वेस्टर्स टू बाई एंड सेल शेयर्स डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर शेयर ब्रोकरस और इन्वेस्टर्स को बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है ताकि वो अपने शेयर्स बेच सके डिबेंचर बेच सके या फिर और सारे सिक्योरिटीज बेच सके सिंपल मीनिंग स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर बहुत सारे शेयर डिबेंचर और सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है तो हमारे के एल गर्ग जी ने भी एक डेफिनेशन दिया है वो कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज मीन्स अ प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ ए कंपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज़ केएल गर्ग जी भी वही कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर शेयर बेचे जाते हैं डिबेंचर बेचे जाते हैं और भी सारे गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज बेचे जाते हैं और म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज बेचे जाते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पहला आता है रजिस्टर्ड कारपोरेट बॉडी अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना ये रजिस्टर्ड है यार ये रजिस्टर्ड है अब ये रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही होता है सेकेंड है अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज को अगर काम करना है तो सबसे पहले उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसा कहाँ लिखा है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में ऐसा लिखा ही है परमिशन लेना है मीन्स लेना है थर्ड है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना ये ऑर्गेनाइज मार्केट है और यहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटीज आपको मिलेंगी वो सब लिस्टेड होती है फोर्थ है मेंबरशिप अगर आपको भी स्टॉक एक्सचेंज में अपने सिक्योरिटीज अपने शेयर्स डिबेंचर्स ये सब बेचने हैं तो सिंपली आपको क्या करना है मेंबरशिप ले लेना है फिफ्थ है मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आपको बहुत सारे शेयर्स एंड डिबेंचर्स मिलेंगे बहुत सारे सिक्योरिटीज मिलेंगे सिक्स है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज अब देखिये स्टॉक एक्सचेंज में आप वही सारे सिक्योरिटीज को बेच सकते हो जिसे आपने स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्ट करवाया है अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्ट नहीं करवाया है तो आप वो सारे शेयर्स वो सारे डिबेंचर्स यहाँ पे नहीं बेच सकते हो सेवेंथ है मैनेजमेंट अब यहाँ का मैनेजमेंट कौन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट्थ है स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मेम्बर्स यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं जितने भी लोग मेंबर्स हैं उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे से कंट्रोल करके रखते हैं नाइन्थ है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अब देखिए ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना एक्चुअली में ये है क्या एक पब्लिक कंपनी है टेंथ है रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है सेबी करता है अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट सा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या काम करता है यानी कि उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं सबसे पहला है लिक्विडिटी अब आपको पता ही है कि स्टॉक एक्सचेंज में आपको बहुत सारे सिक्योरिटीज़ मिलेंगे बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे बहुत सारे डिबेंचर्स मिलेंगे यानी कि ये एक मार्केट है लेकिन यहाँ पर जो भी शेयर्स डिबेंचर जो भी सिक्योरिटीज़ मिलती है ना उनकी लिक्विडिटी बहुत हाई है यानी आप उन सबको बेच के ईजीली पैसे ले सकते हो सेकेंड है वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा काम ये है कि ये शेयर्स का या डिबेंचर का या जितने भी सारे सिक्योरिटीज़ हैं उनकी वैल्यू ढूंढ के दे देती है अब इससे फ़ायदा क्या होता है इससे बहुत फ़ायदा होता है गवर्नमेंट को क्रेडिटर्स को बहुत फ़ायदा होता है अब देखिए कोई कंपनी है और उसने अपने शेयर और डिबेंचर इशू किए हैं तो जिसने भी उसके शेयर या डिबेंचर खरीदे होंगे कंपनी को उन्हें थोड़ा बहुत डिविडेंड देना पड़ेगा ना तो कंपनी के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक्चुअली में वो सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है तभी तो जाके वो लोग डिविडेंड दे सकेंगे इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है थर्ड है कन्वर्शन ऑफ सेविंग्स इन टू कैपिटल अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज का ये बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है सोसाइटी के लोग क्या करते हैं सेविंग्स करते हैं और जब वो उन सेविंग्स को ले जाते हैं और कुछ शेयर्स खरीद लेते हैं या डिबेंचर्स खरीद लेते हैं तो उनका सेविंग किसी कंपनी का क्या बन गया कैपिटल बन गया पर एक्चुअली में उन्हें सिक्योरिटीज़ ख़रीदने में हेल्प कौन करता है स्टॉक एक्सचेंज ही करता है फोर्थ है इंटरमीडायरी इन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज एकदम डायरेक्टली से किसी कंपनी की हेल्प नहीं करती है कैपिटल दिलाने में स्टॉक एक्सचेंज तो खुद एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है ख़रीदा जाता है फिफ्थ है सेफ्टी इन ट्रांजेक्शन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं सब अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और सेबी इन सब को कंट्रोल करके भी रखता है तो यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं सब सेफली ही होते हैं सिक्स है ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट अब लोगों की सेविंग्स किसी कंपनी का कैपिटल बन रहा है क्योंकि लोग जा जा के क्या कर रहे हैं अपने सेविंग को इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर खरीद रहे हैं डिबेंचर खरीद रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कैपिटल मार्केट को ग्रोथ करने में हेल्प कर रहे हैं सेवेंथ है फैसिलिटीज़ टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है अपने मेंबर को ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने एक्टिविटी ईजीली परफॉर्म करो नाइंथ है नेसेसरी फैसिलिटीज़ फॉर स्पेक्यूलेशन अब देखिए स्पेक्यूलेशन भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये टाइम टू टाइम स्पेक्यूलेशन करता रहता है लेकिन नेगेटिव स्पेक्यूलेशन नहीं हेल्दी स्पेक्यूलेशन यानी अच्छा स्पेक्यूलेशन नाइन्थ है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है आपको पता है जब भी कोई उसके पास आता है शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए या डिबेंचर में इन्वेस्ट करने के लिए तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज वाले उन्हें सब इन्फॉर्मेशन सही सही बता देते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सारे रूल्स सारे रेगुलेशन सब कुछ बता देते हैं तो एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज वाले एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर हैं टेंथ है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ देखिए अगर कोई कंपनी चाहती है कि हमारे भी सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज में बिके तो सिंपली उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में जा कर अपने सिक्योरिटीज़ का लिस्टिंग करवाना है इलेवेंथ है गाइडेंस टू इन्वेस्टर्स अगर किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में तो वो स्टॉक एक्सचेंज वालों से बात कर सकते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या ये करना सही होगा और वो उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं सो स्टॉक एक्सचेंज का लास्ट काम क्या है इन्वेस्टर्स को गाइड करना अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डीमेट अकाउंट यार ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है पहले क्या होता था आपको पता है शेयर्स जो होते थे ना वो पेपर के फॉर्म में होते थे और शेयर सर्टिफिकेट्स भी पेपर के फॉर्म में होते थे अब अगर किसी को उन शेयर को ट्रांसफ़र करना होता था तो इसके लिए बहुत भेजा मारी होती थी प्रोसेस बहुत लंबा था तो इन सब मगजमारी को हटाने के लिए बहुत सारे शेयर्स बॉन्ड सिक्योरिटीज इन सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रिजर्व करना शुरू कर दिया गया सो वॉट इज डी मेट्रियलाइजेशन डी मेट्रियलाइजेशन मीन्स कन्वर्सन ऑफ़ फ़िजिकल सिक्योरिटीज़ इन टू इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज डी मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर आपके फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन शॉर्ट आप इसे डीमेट भी कह सकते हो और ये डी करने का काम कौन करता है डिपोजिटरी करता है और अगर आपको डिपोजिटरी सर्विस चाहिए तो आप सिंपली क्या करो उनके साथ डीमेट अकाउंट खुलवा लो तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है डिपोजिटरी यानी कि डिपोजिटरी होता क्या है तो सबसे पहले आता है मीनिंग अब ये डिपोजिटरी क्या है तो कोई भी ऐसी कंपनी जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है ना वो डिपोजिटरी है उसे काम करने से पहले एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है सेबी से तो हमारे इंडिया में दो डिपोजिटरी है पहला है एन नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड और दूसरा है सी यानी कि सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड तो सबसे पहला आता है एन अब ये एन क्या है एन एस डी एल एक पब्लिक कंपनी है और कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही इसे बनाया गया है सेबी में इसे रजिस्टर्ड कराया गया था 1996 को एन एस डी एल को प्रोमोट किसने किया था एन एस डी एल को प्रोमोट किया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने सेम इसे मैनेज कौन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब एक क्वेश्चन आता है कि एन एस डी एल काम कैसे करती है तो एन अपना जो भी काम करता है ना वो थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स से करता है यानी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स की हेल्प लेके करता है और उसके बदले में वो डिपोज़िटरी पार्टिसिपेंट्स से कुछ फ़ीस भी लेता है अब ये डिपोज़िटरी पार्टिसिपेंट्स वाले फ़ीस कहाँ से लाते हैं तो वो अपने इन्वेस्टर्स से या कस्टमर्स से थोड़े बहुत पैसे ले आते हैं और किसको दे देते हैं डिपोज़िटरी को यानी कि एन को और इस तरह से ये दोनों मिल काम करते हैं ये जो इंस्टीट्यूशन है एन इसके क्या क्या काम होते हैं डी करना यानी आपके फ़िज़िकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक शेयर में कन्वर्ट करना या री करना यानी या वापस से इलेक्ट्रॉनिक शेयर को फ़िज़िकल फॉर्म में कन्वर्ट करना या फिर बोनस शेयर क्रेडिट करना या फिर किसी कस्टमर का अकाउंट बंद करना है फ्रीज करना है तो ये सब काम सेकेंड आता है सी डी एस एल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लिमिटेड सी डी एस एल का क्या काम होता है सबसे पहले ये शुरू कब हुआ था नाइनटीन नाइनटी नाइन में शुरू हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कोलाबोरेशन के साथ एंड इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ये अपने इन्वेस्टर्स को सेफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिपोजिटरी सर्विसेज क्या क्या काम करती है तो सबसे पहला काम आता है डी मेटेरियलाइजेशन एंड री मेटेरियलाइजेशन यानी कि आपके फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक शेयर में कन्वर्ट करने का काम भी ये लोग करते हैं एंड आपके इलेक्ट्रॉनिक शेयर को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम भी यही लोग करते हैं सेकेंड आता है ईजी ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ एट लेस एक्सपेंस अब समझ लीजिए आपने शेयर खरीदा है या डिबेंचर खरीदा है कोई भी सिक्योरिटी खरीदा है लेकिन बीच में आपका ये मन आ गया यार अब मुझे इसे नहीं रखना है इसे मुझे ट्रांसफ़र करना है तो आप डिपोजिटरी की हेल्प लेके इसे ईजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो और आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस बचेंगे जैसे ब्रोकरेज एक्सपेंस करियर एक्सपेंस स्टैंप ड्यूटी ये सब का जितना खर्चा होता है ये आपका बच भी जाएगा थर्ड आता है प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब देखिए डिपोजिटरी का यही मेन काम होता है यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शन कोई भी करता है ना ये लोग क्या करते हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट वाले फटाफट से उस ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट कर देते हैं समझ लीजिए मैंने अपने बैंक अकाउंट से किसी को पाँच हज़ार रुपये भेजे फटाफट से एक चुटकी में हो जाएगा फिर मुझे कन्फर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फोर्थ आता है रिकॉर्ड इन कस्टमर अकाउंट अब आपने जो भी ट्रांजेक्शन किए या आपको जो भी बोनस शेयर मिला या आपको राइट शेयर मिला या डिबेंचर मिला वो इजीली डिपोज़िटरी लोग क्या करते हैं पता है आपके अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं कि आपको आज ये ये मिला है यानी कि ये ये क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में फिफ्थ आता है फैसिलिटी टू मॉर्गेज ये आपको मॉर्गेज की फैसिलिटी भी देते हैं यानी आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप मॉर्गेज इनको दे दीजिए गिरवी में कुछ रख दीजिए बदले में ये आपको लोन देंगे सिक्स आता है फैसिलिटी टू फ्रीज और क्लोज अकाउंट अगर आपको कहीं बाहर जाना है बहुत लंबे समय के लिए आपको अपना अकाउंट बंद करवाना है या फ्रीज करवाना है तो भी आप इनकी हेल्प से कर सकते हो सेवेंथ आता है रिकॉर्ड एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन आपने जो भी ट्रांजेक्शन करा है उन सभी का रिकॉर्ड अच्छे से ये लोग बना के रखते हैं एथ है लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड क्लियरिंग हाउस जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट invest करता है तो बाद में फ्यूचर में उसे उसके पैसे वापस मिल सके इस टाइम से लेके उस टाइम तक एक लिंक बना रहता है कौन डिपोजिटरी नाइन्थ है सर्विस थ्रू इंटरनेट इंटरनेट की जितनी भी सारे सर्विसेस होते हैं वो डिपोजिटरी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है वो भी फेयर प्राइस पे आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और वो होगा हमारा लास्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड अवजो